गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। कल हमने 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 पे किए थे, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आई होप आपने साथ साथ किए होंगे। कल जो आपको प्लेस वैल्यू बताई थी, एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी, तो आपने साथ साथ वो कॉपी में जरूर करनी है। मैंने रोज आपको वीडियो में बोलती हूँ, जब तक आप अपने साथ साथ सिलेबस नहीं करोगे आप बिल्कुल पीछे रह जाएगा आपका सिलेबस। तो आप साथ साथ क्वेश्चंस करो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे उनको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हैविंग क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझना, ये थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए प्लेस टू बी एंड फ्रॉम टू प्लेस सी। ये कहते हैं दिनेश है, वो एक प्लेस, किसी भी एक स्थान का नाम दे दिया उसने ए, और फिर दे दिया बी, और एक दे दिया सी। तो कहते हैं दिनेश ना ए प्लेस से कहाँ गया, बी पे गया, फिर बी से कहाँ गया है, वो सी पे गया है। ठीक है, ए इज 7.5 किलोमीटर। जो ए है वो कितने किलोमीटर का है, 7.5। अब वो ए से बी गया तो बी कितने का है, 12.7, तो ये बी हो जाएगा 12.7। ठीक है, और सी एंड फ्रॉम सी, अब वहां से गया सी पे, तो कहते कि अब बताओ, हो गया चलो इतना, ये तो दिनेश का हो गया। फिर अयूब है एक, ठीक है, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब देखो दिनेश गया था ए से बी और बी से सी, और जो अयूब है ना वो जा रहा है ए से डी और डी से सी। ठीक है, तो देखो यहाँ एक फिगर दिया हुआ, मैं आपको ये इस फिगर से बताती हूँ। अब दिनेश चला ए से, वो कहाँ पहुंच गया, बी पे, बी के बाद वो गया सी पे, उसकी जर्नी यहीं खत्म दिनेश की। अयूब है, अयूब है ना ए से गया पहले डी पे, डी से के बाद गया वो सी पे। ठीक है, इनके डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, देखो ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 7.5, यानी वो कितने किलोमीटर गया है यहाँ से, 7.5 किलोमीटर। बी पहुंच गया, अब बी से वो सी पे गया था दिनेश, तो सी पे गया था तो वो बी से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12.7 किलोमीटर का। ठीक है, तो देखो उसने ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये हमने बताना है। फिर हमने बताना है कि अयूब कहाँ कहाँ गया था, अयूब गया था ए और डी पहले, ठीक है, ए और डी के बीच में डिफरेंस है 9.3 किलोमीटर का। ठीक है, फिर डी से वो कहाँ गया, सी पे गया, डी और सी के बीच में है 11.8 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बता दिया अयूब कितना गया और दिनेश कितना गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डी इज 9.3, हु ट्रेवल, देखो हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच। कहते हैं कि अब इन दोनों में बताओ किसने ज्यादा सफर किया और कितना ज्यादा किया। ठीक है, देखने में आपको बहुत अटपटा क्वेश्चन लग रहा है, पर बहुत इजी क्वेश्चन है कि देखो दिनेश कहाँ गया, ए से बी और बी से सी, अयूब कहाँ गया, ए से डी और डी से सी। ठीक है, तो देखो ये वाला हमने यहां से बना लिया स्टेटमेंट। अब लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। ठीक है, दिनेश ने कितना कवर किया था, देखो ए से बी और बी से सी, टोटल है तो प्लस करेंगे, तो ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी कितना है, 7.5, तो 7.5 लिख दिया, और बी सी कितना है, 12.7, तो 12.7 कर दिया। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 20.2 किलोमीटर। देखो मैं प्लस करके दिखाती हूँ, 7.5 और ये क्या बताया हमें, 12.7, 7 और 5 टू, 12 2 वन कैरी, 7 और 2 9 और 1 कैरी था 10, 10 की 0 पावर 1, 1 और 1 2, देखो 20.2 आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब दिनेश ने ए से बी और बी से सी टोटल कितना किलोमीटर चलाया, वो 20.2 किलोमीटर। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अयूब का। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब, अयूब कितना चला था, ए से डी, एडी प्लस डीसी, तो एडी देखो एडी प्लस डीसी, एडी कितना है हमारा 9.3, तो 9.3 लिख दिया प्लस में, और वो कितना है 11.8, इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो कितना आएगा हमारा 21.1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो दिनेश का कितना आया है भाई,
20.2 किलोमीटर और अयूब का आया है 21.11 किलोमीटर। तो उन्होंने पूछा था कि हाउ मच डिस्टेंस कवर एंड हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा ट्रेवल किया, तो इन दोनों में से किसने ज्यादा किया, पता चल रहा है अयूब ने ज्यादा किया। एंड हाउ मच, और उसने कितना ज्यादा किया, यानी कितना ज्यादा हमने निकालना है। तो कंपेयरिंग द टोटल डिस्टेंस, ऑन कंपेयरिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ अयूब एंड दिनेश, तो देखो कंपेयरिंग करना है, 21.1 इज ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर, जाहिर सी बात है अयूब का ज्यादा है। तो और उसने कितना ज्यादा किया है, तो अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, जब हमें कितना ज्यादा निकालना होता है तो हम बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो 21.1 में से हम क्या करेंगे, 20.2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9 किलोमीटर, यानी अयूब ने 0.9 किलोमीटर ज्यादा सफर या ज्यादा ट्रेवल किया है। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, श्याम बोट 5 kg एंड 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोस। कहते हैं शाम ने 5 किलो 300 ग्राम तो सेब खरीदे हैं और 3 किलो और 250 ग्राम उसने मैंगो खरीदे हैं। ठीक है, सरला बोट 4 kg और 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना। सरला ने 4 किलो 800 ग्राम तो संतरे लिए हैं और 4 kg और 4 किलो 150 ग्राम उसने बनाना लिए हैं। Who bought more fruits? बताओ किसने ज्यादा लिए, श्याम ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं या सरला ने? सिंपल सा है, इसमें प्लस करेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट बोट श्याम। श्याम ने कितने खरीदे, देखो 5 किलो और 300 ग्राम और 3 किलो 300 ग्राम 250 ग्राम। तो 5 किलो 300 ग्राम और 3 किलो 250 ग्राम। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 kg 550 ग्राम। यानी टोटल शाम ने कितना फ्रूट खरीदा है, 8 kg 550 ग्राम। अब हमने किसका निकालेंगे, सरला का, कि टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बोट बाय सरला, कि सरला ने कितने खरीदे हैं, 4 kg 800 ग्राम 4 kg 150 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 kg 50 ग्राम। अब देखो शाम का आया 8 kg 550 ग्राम और सरला का आया 8 kg 950 ग्राम। किससे ज्यादा फ्रूट खरीदा है, भाई सरला ने फ्रूट खरीदा है, तो बस वही 8 kg 550 ग्राम इज लेस देन 8 kg 950 ग्राम, यानी ये ज्यादा है। तो सरला बोट मोर फ्रूट्स, यानी सरला ने फ्रूट्स ज्यादा खरीदे हैं। आया समझ में? इसमें ये दिया गया है कि शाम ने कितने, शाम ने जैसे, चलो आप उसको छोड़ो, आप सोचो कि आपने खरीदे हैं 5 किलो और 3 किलो फ्रूट्स, तो टोटल पता करो 8 किलो हो गए। और सोचो मैंने, ठीक है मैंने खरीदे हैं 4 kg और 3 kg, तो मेरे टोटल हो गए 7 kg। तो बताओ किसने ज्यादा खरीदा, तो बस इसमें वही है, तभी पता चलेगा कि जब आप आपस में प्लस करेंगे, है ना। सिंपल से क्वेश्चन से स्टेटमेंट देख के बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, बट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बहुत इजी निकलता है। ओके, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। कहते कि हम 42 में ऐसा क्या लेस करें कि हमें हाउ मच, कितना डिस्टेंस, कितना कम करें कि हमें इसका आंसर पता चल जाए। तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ, क्योंकि लेस है कम करना है तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होगा, डिफरेंस है तो माइनस होगा, 42.6 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर। डिफरेंस 42.6 में से 28 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.6। देखो मैं माइनस करके दिखाती हूँ, पॉइंट वालों में बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप देखो भाई 42.6 है और ये है 28, इसके पॉइंट नहीं है, तो हम ये नंबर के साथ लिखेंगे, पॉइंट नहीं है तो हम लगा देंगे 0, 6 में से 0 गए 0, इससे कैरी किया 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कैरी किया था हमने 1 तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, देखो 14.6 आया ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंस, 14.6 किलोमीटर इज लेस 28 किलोमीटर। ठीक है, यानी 42 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है, 14.6 किलोमीटर का। इन्होंने पूछा गया था कि 42.6
और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस है माइनस करके पता चल जाएगा 14.6। ओके सो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, साथ साथ आप अपनी कॉपी जरूर कंप्लीट कर लेना। अगले एक्सरसाइज हम कल के वीडियो में करेंगे। सो हैव ए नाइस डे।